Amazon की प्राइम डे सेल स्टार्ट हो चुकी है और इस सेल में अगर आप कोई गेमिंग लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो कौन कौन से ऐसे गेमिंग लैपटॉप हैं जिनमें सच में प्राइस ड्रॉप हुआ है, बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक जोन। कल आप शुरू करते हैं। पिछले एक घंटे से मैं ये प्रिपेयर कर रहा हूँ कि कौन से लैपटॉप सस्ते हुए हैं, और तमाम लैपटॉप्स देखने के बाद मुझे ये टॉप 5 की लिस्ट मिली जो सच में सस्ते हुए हैं, लेकिन उनका प्राइस ना मैंने सोच कर रखा था कि 1 लाख के बिलो वाले का ही मैं सेलेक्ट करूंगा। ऊपर वाले जो लैपटॉप होते हैं ना 1.5 लाख 2 लाख में, उसमें प्राइस गैप हो भी जाता है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। प्राइस सेंसिटिव मार्केट जो है ना ऐसे 50,000 से 1 लाख के बीच होता है, तो वो भी रीज़न है कि मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में इसी प्राइस ब्रैकेट को टारगेट करता हूँ। इनकेस अगर आप ऐसा कोई लैपटॉप ढूंढ रहे हो गेमिंग वाला जो विदिन 1 लाख हो और परफेक्ट भी हो जाए, तो ये वीडियो काफ़ी सही रहेगी। सभी लैपटॉप का लिंक अगर आपको वैसे तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेकिन वीडियो अंत तक देखो तब मैं बता पाऊंगा कि हाँ कैसे कौन सा लैपटॉप मैंने सेलेक्ट किया है और क्यों सेलेक्ट किया है। इस वीडियो में मेरा फोकस ये भी है कि आप एक सही लैपटॉप चूज करो। उसका रीज़न ये है कि ऐसा नहीं कि प्राइस 10,000 ड्रॉप हो गया तो आप कोई भी कचरा लैपटॉप खरीद लोगे, नहीं, आपको वैसे लैपटॉप से बच के रहना है। और मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक बताने वाला हूँ, इसलिए इस लिस्ट को भी मैं बहुत ही शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला लैपटॉप मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, ये मेरे पास खुद भी है, लेकिन इसका सिर्फ 8 GB वाला रैम वेरिएंट मेरे पास है। अब यहाँ पर जो 16 GB वाला रैम वेरिएंट है वो हो गया है 54,000 का, ऑलमोस्ट 6,000 रुपये का यहाँ पर प्राइस ड्रॉप है। लिनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3 Ryzen 5 5600H के साथ में आता है। ये 16 GB रैम वेरिएंट है और यहाँ पर GTX 1650, बहुत ही बेसिक सा लैपटॉप। अगर आपके पास SBI कार्ड हो तो आपको ऑलमोस्ट हर एक लैपटॉप पे 2,000 रुपये का डिस्काउंट वैसे भी मिलने वाला है, तो आप 2,000 को मान सकते हो। लेकिन इनकेस अगर आपके पास SBI कार्ड नहीं है तो आपको यही प्राइस देना पड़ेगा। इसके बावजूद भी लेकिन इसका प्राइस जो है ना ऑलरेडी काफ़ी ड्रॉप है, जैसे कि 59,990 का हुआ करता था ये, और अभी 54,000 का ऑलमोस्ट मिल पा रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। वैसे भी आपको ये डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, एसर का एस्पायर 5। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मतलब 1,000 रुपये, लेकिन इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है तकरीबन 3,000 रुपये। तो ये काफ़ी बढ़िया सा एक लैपटॉप है और ये काफ़ी लाइट वेट सा गेमिंग लैपटॉप है, 1.8 kg वेट का ओनली। और अच्छी बात कि यहाँ पर इंटेल का कोर i5 12th जनरेशन प्रोसेसर लगा है, तो ये थोड़ा ज़्यादा बेटर प्रोसेसर है इस लिनोवो वाले से। अगर आप थोड़े से पैसे ज़्यादा लगा सकते हो तो एसर का एस्पायर 5 खरीद लो। यहाँ भी आपको 16 GB रैम मिलती है, 512 GB SSD मिलती है, और यहाँ पर आपको RTX 2050 मिलता है। तो ये जो GTX 1650 था ना, इससे थोड़ा बेटर ही है। तो आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर इसमें काफ़ी कुछ मिल जाता है। बस बात वही होती है कि जैसे कि लिनोवो की सर्विस ज़्यादा अच्छी होती है, एसर की सर्विस थोड़ी सी कम अच्छी होती है, तो आपको उस हिसाब से डिसाइड करना है। तीसरा लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप, डेल का G15। अब डेल के G15 के बहुत सारे वेरियंट आते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है यही वाला वेरिएंट अगर आप चूज़ करते हो ना 70,000 के प्राइस के ब्रैकेट के अराउंड, तो अभी के डेट में बहुत सही रहेगा। उसका रीज़न यहाँ पर यह है ना कि इसमें इंटेल का कोर i5 12th जनरेशन वाला H सीरीज़ का प्रोसेसर लगा है, 16 GB की रैम भी, वो भी DDR5 रैम लगी हुई है यहाँ पर। तो ये काफ़ी शानदार सी बात है कि यहाँ पर आपको एक फास्ट रैम प्रोवाइड की जा रही है 4800 MHz की, और ये जो इसमें ना साथ में 512 GB की SSD और RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड DDR6 वाला 4 GB का, तो डेडिकेटेड ग्राफिक भी काफ़ी अच्छा है। और ये लैपटॉप ना गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी विंडोज 11 और MS ऑफिस के साथ में आता है, और उसके साथ इसमें एक WVA डिस्प्ले लगा है 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला। ये काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है और इस समय ये सिर्फ मिल रहा है 73,000 का, जो कि काफ़ी माइंड ब्लोइंग सी बात है। ये अबव 80,000 के सेगमेंट का लैपटॉप था और अभी इसका प्राइस तकरीबन 7,000 से 8,000 रुपये कम दिख रहा है मुझे, तो आप इसे हाईली कंसिडर कर सकते हो। और साथ में डेल की जो रेपुटेशन है, थोड़ी सर्विस वगैरह इनकी अच्छी होती है, तो आपको वो भी डेल की तरफ से एक बढ़िया सा लैपटॉप मिल जा रहा है। एक बात ध्यान में रखना, ये लैपटॉप थोड़ा सा हैवी है, मतलब ज़्यादा ही हैवी है, 2.8 kg का वेट है, लेकिन इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी वगैरह माइंड ब्लोइंग है। कूलिंग मैकेनिज्म वगैरह बहुत ही अच्छा है इस लैपटॉप का, तो आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करनी है ना तो ये लैपटॉप काफ़ी सही रहेगा। इनकेस इवन आपको 4K टाइप का वीडियो एडिट करना है, उसके लिए भी ये सही रहेगा। आपको 73,000 में काफ़ी बढ़िया वैल्यू मिल रही है। अगला लैपटॉप मैं जो बताना चाहता हूँ, इसके 2 वेरिएंट मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं। एक तो है एसर का नाइट्रो 5 जो 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में आता है, i5 वाले H सीरीज़ के, और इसमें भी एग्जैक्ट वही स्पेसिफिकेशन मिलती है जो डेल में मिलती थी,
तो आप 73,000 में इसे कंसिडर कर सकते हो या तो एसर नाइट्रो कंसिडर कर सकते हो। फ़र्क इतना है कि एसर नाइट्रो में आपको ना 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा और वो भी काफ़ी बढ़िया सा IPS डिस्प्ले मिलता है इसमें। साथ में रैम वगैरह तो एक्सपेंडेबल होती ही है इन सब लैपटॉप में, आप टू 32 GB, तो आप उस तरह से कंसिडर कर सकते हो। 74,000 के प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से एसर नाइट्रो 5 का ये वाला लैपटॉप खरीदना बहुत ही सही रहेगा। और इसी का एक और भी वेरिएंट है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, ये ऑलमोस्ट 1,08,000 के बजट में जा रहा है। इसमें मैंने देखा कि 4,000 रुपये का आप कूपन अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। और इसको अप्लाई करने के लिए कोई कार्ड वगैरह नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है। इसमें आपको i7-12650H मिल रहा है, काफ़ी तगड़ा सा प्रोसेसर, और RTX 1370 Ti 8 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक, मतलब 1,04,000 में एक बहुत ही बढ़िया सी डील रहेगी। आप इस लैपटॉप को 1,00,000 के बजट में जाओ, इसे खरीदना एकदम माइंड ब्लोइंग रहेगा। मतलब बहुत सारे ऐसे लैपटॉप हैं जो 1,50,000 के भी हैं ना, उसमें इतना अच्छा स्पेसिफिकेशन नहीं मिल रहा है। आपको सिर्फ 1,04,000 में अभी की डेट में ये लैपटॉप मिल सकता है, वेरी कैची डील। नंबर 4 पे यही दोनों एसर नाइट्रो के ही हो गए, अलग अलग वेरिएंट्स। और एक MSI का भी लैपटॉप मैं बताना चाहूँगा, ये भी दो लैपटॉप्स हैं, अलग अलग वेरिएंट के, MSI का स्वॉर्ड। तो ये जो लैपटॉप है, पहला जो वेरिएंट मैं बताना चाहूँगा, i5 का 12500H के साथ में आता है। इसमें आपको 1 TB की SSD भी मिलती है, तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो गया। मान लो आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो फिर डेल G15 या नाइट्रो के बजाय आप ये खरीद सकते हो। इसका एक एडवांटेज ये भी रहेगा कि आपको डिस्प्ले वगैरह यहाँ भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, IPS लेवल वाला। हालांकि वो 45% NTSC 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। यहाँ पर आपको DDR4 रैम ही मिलेगी, जैसे कि डेल G15 में DDR5 मिल रही थी, तो वो केस यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन बाकी सब कुछ इसमें सही है, और ये काफ़ी अच्छे बिल्ड क्वालिटी का बढ़िया सा डिज़ाइन वाला भी लैपटॉप थोड़ा मुझे लगता है MSI का, फैंसी सा, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। और इसी का जो दूसरा वेरिएंट है, वो भी अगेन एसर नाइट्रो के ही कंपैरिजन में है, एग्जैक्ट सेम स्पेसिफिकेशन पे। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि यहाँ पर RTX 4060 मिलता है, जो कि लेटेस्ट सा ग्राफिक कार्ड है NVIDIA की तरफ से, बड़ा ही शानदार सा ग्राफिक कार्ड, आप इसे कंसिडर कर सकते हो। यहाँ भी 1 TB की NVMe SSD वगैरह मिल जाती है, रैम वगैरह यहाँ भी एक्सपेंडेबल है, वहाँ भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको DDR5 रैम मिलती है, विच इज़ माइंड ब्लोइंग। तो कुल मिला के ऐसा बोला जा सकता है, लिनोवा आइडियापैड गेमिंग 3, एसर का एस्पायर 5, डेल G15, देन उसके बाद एसर का नाइट्रो 5, और लास्ट में एक MSI का स्वॉर्ड। ये 5 के 5 लैपटॉप पे बहुत ही सही डील चल रही है, लेकिन मुझे इन्हीं में थोड़ा डिस्काउंट थोड़ा अच्छा समझ में आया, इसलिए मैंने इन्हें लिस्ट करके रखा है। लिंक पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी सी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन देयर।